ऑलराइट गाइस, लास्ट क्लास में लास्ट क्लास बोल दिया मैंने, लास्ट वीडियो में मैंने ये चीज बताया था कि वीत काल किस तरीके से करते हैं कलरी में, और वीत काल की पूरी वीडियो आपके पास है ही, लेकिन वीत काल के बाद टर्न किस तरीके से करते हैं। वीत काल का भी एक वे ऑफ टर्न होता है, और हर काल के बाद वे ऑफ टर्न होता है कि वो एक टेक्निक होता है, वो एक प्रयोग होता है कलरी के अंदर। तो आज हम बताएंगे आपको कि वीत काल किस तरीके से करते हैं और वीत काल का टर्न किस तरीके से करते हैं। वीत काल किस तरीके से करते हैं वो मैंने पहले वीडियो में बनाया है, ठीक है, लेकिन वीत काल का टर्न को किस तरीके से करते हैं वो आज हम आपको बताएंगे। तो आपने देखा किस तरीके से वीत काल को किया है, और लास्ट का जो जंप है वो किस तरीके से करते हैं करके हम आपको बताएंगे। वलद वीद तू की, वीद काल को पीछे लेके ऐसे होल्ड करना है आपको, राइट पैर को आगे रखना है एंड उछल के पीछे मारना है आपको राइट साइड से। तो यहां पे क्या हुआ, जो लास्ट जो वीत काल उठाया गया, वीत काल उठा के होल्ड करने के बाद राइट पैर को आगे रखा, राइट पैर को आगे रखने के बाद लेफ्ट पैर के घुटने को उठा के आपको पीछे की तरफ घुटना है, और यहां पे आपको किक करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो राइट पैर घुमाया आपने, राइट पैर को आगे रखा, यहां से जंप के साथ उछल के आपको ये लेफ्ट पैर लेना है। जंप के साथ उछल के आप लेफ्ट पैर लोगे, राइट पैर को घुमाने के बाद आगे रखने के बाद फुल जंप के साथ देखिए आपको ये किक मारना है। तो जिस जगह पे आप खड़े हैं उसी जगह पे लैंड करना जरूरी होता है। इन लोगों को जंप में दिक्कत होता है, जो सोचते हैं कि बॉडी बहुत ज्यादा वीक है या जंप नहीं कर पा रहे, वो लोग शुरुआती तौर पे क्या कर सकते हैं, लेफ्ट पैर को उठा के होल्ड कीजिए, और लेफ्ट पैर को उठा के होल्ड करने के बाद लेफ्ट को और ऊपर उठा के राइट को किक करके प्रैक्टिस कीजिए। ये धीरे धीरे खड़े खड़े करके कोशिश कीजिएगा, लेफ्ट उठाया राइट किक, ये प्रैक्टिस करना है आपको। जब ये हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, वलद घुमा के आगे रखने के बाद उछल के करके इसको प्रैक्टिस करेंगे, ये आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जब आप वीत काल में इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फुल स्विंग स्पीड तक लेके आने की कोशिश करना है, यानी कि वलद वीद एडद वीद, वलद वीद तू की तेरिन चाड़ी, ये फुल स्विंग स्पीड में आपको लेके आने की कोशिश करना पड़ेगा, तब जाके आपके बॉडी के अंदर इसका मार्शल आर्ट से रिलेटेड चीजें आप कर पाएंगे। तो जो वलद वीद तू की तिरिन चाड़ी, यानी राइट पैर को घुमा के आगे रख के जो हम मार के पीछे की तरफ जो मारते हैं, तो उसका प्रैक्टिस कलरी में क्यों करते हैं कि चुकनेस, कि आपने आपकी लड़ाई सामने हो रहा है, आप सामने वाले से निपट रहे हो, पीछे से कोई आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आपको उस समय पे पूरा वलद वीद उठाना है, पूरा इस पैर को घुमाना है, उसके बाद आगे रखना है, फिर आप पीछे बंदे को मारोगे, ये सब चीजें जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि आप जल्दी से पीछे भी मार पा रहे हैं। तो सपोज अगर आपकी लड़ाई आगे है, आप आगे वाले बंदे से निपट रहे हो, आपको चुक लिए पीछे आके आपको मारना पड़ेगा, यानी कि अगर आपका राइट पैर आगे है तो आप चुक लिए घूम के पीछे आप मार सकते हो, कि आपने यहाँ लड़ाई किया, सब कुछ किया, जल्दी से उठ के आपने यहां भी मारा। तो इन चीजों की क्षमता बढ़ाने के लिए कलरी फाइट में ये बेसिक एक्सरसाइजेस है या बेसिक चीजें है, वो आप अपने लड़ाई में यूज कर सकते हो। अब रही बात कि जो चीजें आपको कलरी में दिखाया जाता है, जरूरी नहीं है कि आपको वही सेम चीज अपनी लड़ाई में भी यूज करना है, कि भाई अगर आपकी लड़ाई हो जाए तो आपका गुरुकुल आगे खड़ा होगा, आपको कमांड देंगे, वलद वीद तू की तिरिन चाड़ी, ये सब चीजें करो, उसके बाद आप लड़ेंगे। नो, यहां पे सिखाया क्या जा रहा है, राइट को घुमा के आगे रख के उछल के आप पीछे मार। तो इसमें आपको सिखाया जा रहा है कि आप कितनी जल्दी सामने वाले से लड़के आप पीछे भी किक करते हैं करके, ये इंपॉर्टेंट है यहां। तो ये पीछे तभी आप उछल के मार पाओगे जब आप प्रैक्टिकली सिस्टमेटिकली चीजों को प्रैक्टिस करते हैं। तो वो आपकी लड़ाई जो हो रही होती है,
तो जब असल में जब कुछ फाइट हो रहा होता है तो वी नेवर नो कि कहां से अटैक आता है, कहां पे घूम के मारना है, कहां पे हमें ब्लॉक करना है, कहां पे हमें पंच करना है, ये सब चीजें हमें समझ में नहीं आता उस समय पे। लेकिन क्या होता है कि जब आप बेसिक चीजों को प्रैक्टिस कर लेते हो, जब आप बेसिक्स को अपने प्रैक्टिस कर करके अपने बॉडी के अंदर बना लेते हो, तो क्या होता है ऑटोमेटिकली ये सारी अटैक्स उस समय पे आपको दिमाग में आएगा और आप इसको प्रैक्टिस। दैट्स द ब्यूटी ऑफ कलरिंग माइंड, दिखावे का कुछ और करने का कुछ और। इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता कि ये कलरिफाइड होता क्या है। इसलिए ही लोग जो है ये बोलते हैं कि कलरिफाइड इफेक्टिव मार्शल आर्ट नहीं है या कलरिफाइड डांस है, ये वही लोग बोलते हैं जिन्हें कलरिफाइड के बारे में आइडिया नहीं है। अगर आप किसी भी मार्शल आर्ट को सीरियसली समझेंगे, चाहे वो टेकवंडो हो, कुंफू हो, कराटे हो या कलरिफाइड, सारे मार्शल आर्ट को अगर आप डीपली समझेंगे, गुरु मुख से इस चीज को समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इस मार्शल आर्ट के अंदर कितनी जान है। वैसे ही अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है, आइडिया नहीं है कलरी क्या होता है करके आपको पता नहीं, तो आप बाहरी रूप से देख के आप कमेंट कर सकते हो कि ये सारी चीजें असल जिंदगी में काम नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको शॉर्ट ही देता हूं गाइस, कलरीफाइड मार्शल आर्ट है, लड़ाई है, सेल्फ डिफेंस है, काम आएगा और बहुत बुरी तरीके से काम आएगा। कलरी वाला जब प्रयोग करता है तो बहुत ही फेटल एरर हो जाता है। इसलिए कलरी पाइट के प्रयोग को ओपनली समझाया नहीं जाता ताकि वो मिसयूज हो ना पाए और कोई ऐसे हानि किसी को पहुंच पाए। यही एक वजह रही है कि हमारे पूर्वजों ने जब इस कलरी को प्रैक्टिस किया, उन्होंने इसको सबके पास, सब लोगों को ओपनली जो है टेक्निक को नहीं बताया गया, क्योंकि ये हमारा तरीका ही था कि हम कुछ और प्रैक्टिस कराते थे और जब बच्चे उसको करके निपुण हो जाते थे, जब गुरु को उस बच्चे के ऊपर कॉन्फिडेंट होता था हाँ ये बच्चा गलत तरीके से इन चीजों को प्रयोग नहीं करेगा, तब उन बच्चों को गुरु बताया जाता था कि बेटा ये जो आपने किया था इसका मतलब ये है, ये जो आपने प्रैक्टिस किया था ये आप इस तरीके से प्रयोग कर सकते। शारीरिक रूप से रेडी करना ही एक गुरु का मकसद होता था, बाकी चीजें तो बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वलद भी एडद भी वलद तू भी तेरे जाए तो जब आप इसको शुरुआती तौर पे इस जंप को प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे इसको कोशिश कीजिएगा कोई चोट ना लगे आपको और आराम आराम से इसको अपने आप से करने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि भाई गुरु मुख से ही इन सब चीजों को आप समझ के आप करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो किसी भी तरीके से अपने कलरी में या गुरु के पास जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वो लोग अगर कलरी में इच्छुक है तो इस वीडियो को देख के, अगर आपकी शारीरिक रूप से आपकी क्षमता है तो आप धीरे धीरे इन चीजों को करने की कोशिश कर सकते हैं और एक अच्छे फिटनेस माध्यम के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा एक सेल्फ डिफेंस की भी चीजें आप इसमें आप। थैंक यू वेरी मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि भी जो लोग इन चीजों में मार्शल आर्ट में कलरी पाइप में जो लोग रुचि रखते हैं आप उन तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा और जो भी आपके डाउट्स है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। और कीप डूइंग प्रैक्टिस एंड स्टे सेफ। जय हिंद। थैंक यू।